काका बाबा बधान राम राम। हूँ आवी गयो तमारी उसमां मुकेश परमार खबर लेने। जेवी रीते वात करी झाबवामां अने के जमीनोना लगातार नवी नवी कळियो देखावा मळे। कहीं ना कहे कि माताजीनी मूर्ति आवी मूर्ति जमीनमांथी गळी निकळी अने माताजी तीनी जमीन पर मंदिर बनवानी वात करी। एवी रीते जमीनों जो मालिक छे त्यो कीधुं के एवी रीते मनगण कहानी करी राइस आनी वात करी के रतलामथी मूर्तिओ खरीदी अने तीनी जमीनमां गाड़ी अने बाद ते जमीनने मारी होती अने तीनी जमीन में मंदिर बनावी नानुं मोटुं मंदिर बनावी नाख्युं अने पूरी जमीन पर ताना लोकोनो कब्जो करवानो वात छे। एवी रीते सिद्धेश्वर कॉलोनीनी वात करीए कि अने कि एनी बात ये नवी नवी कळियो शुरू थई गयो। जेवी रीते वात करीए कि नितिन करी कोठारी छे तीनी तरफथी एक आवेदन आव्यो झापवा अने कि एसडीएम साहब ने एसडीएम साहबे तीन हालांकि एसडीएम साहब नवो आयो छे तीने विचार कर्यो कि हालनी जांच करीने वात कही भी मीडियानी सामे वात करी। नितिन कोठारी कहवानुं कि ये जमीन मैं खरीदेली अने एनी बाद हमारे जे सात या आठ जना जो पार्टनर हो या जो भी हो त्यूं खरीदी अने एनी जमीन गार्डननी हूतेली लेकिन त्यूं रजिस्ट्री करावेली अने रजिस्ट्री करीने एनी बाद हमू ये कोर्ट हाईकोर्ट थी जीती गयो। एवी रीते त्यूनो दावो छे या त्यूनी वातो छे लेकिन हमू फिर सिद्धेश्वर कॉलोनीना जे लोको छे तीनी मंदिर ज्यां बनावी छे ज्यां मूर्ति निकळेली तीनी जगह जाईने देख्युं अने तीनी जगह जाईने देखीने भाळे तीनी जमीननी आसपास त्यां एक नानीक मोटी मंदिर बनावी मिली अने तीनी मंदिरमां माताजीनी मूर्ति बनावी स्थापना करी मिली। एवी रीतनी अने कि शरद पूर्णिमाना दन माताजीनी एक सूर्य माताजी आवी एनी बात ताहती मूर्ति कीधुं कि साक्षात हूँ आपसे अने ताहती मूर्ति निकाळी अने तीनी मूर्तिने त्यां स्थापना करी तीनी जगह पर तीने जे पूरी जे जमीन छे तीनी जमीन पर। तो एवी रीते सिद्धेश्वर कॉलोनीना लोकोनुं कहेवानुं कि शरद पूर्णिमा दन सोरीने एक नानीक सोरीन माताजीनो अस आव्यो अने असमां तीनी बताड्युं कि माताजी हूँ आ हरकी छे तमारी तां तो खोदी अने जमीनमांथी मूर्ति निकाळी ते मूर्ति निकाळी माताजी स्थापना करी तहाना रहेवासी अने तहाना लोकोए। तीनी बाद नितिन कोठारी या जो जमीनों जो मालिक छे तीने कीधुं कि ये मारी जमीन हूतेली एनी जमीन पर लोकोनो कब्जो करवा हारो हतो अहींया गणेश जी मूर्ति स्थापना शंकर पार्वती अलग अलग भगवानी मूर्ति स्थापना करवानी कळ्यो करतेला प्लानिंग करतेला तीनी वसमां अने हूँ मैं जाइन बाउंड्री बनावी या जो भी होती हुई पर जांच करावी एवी रीतनी वात ती हूँ कीधुं। हालांकि हूँ यो केस जीती गयो छे ये जमीन हमें खरीदली एवी रीते तीनो दावो छे लेकिन एनी बाद प्रशासन मोखा मुआयना भी करवा गयेलो अने मोखा मुआयना करीने एनी बाद ती जगह पर हाईकोर्ट या कोर्ट में जावानी वात कही लेकिन नितिन कोठारी तरफ थी कहेवानुं कि हूँ कोर्ट थी जीती आयो लेकिन एनी वसमां ए नितिन कोठारी कहेवानुं कि ये जेवी रीते जे माताजी आवी ये कोई माताजी नहीं आवी पहेलांथी प्लानिंग हूतेलो पहेलांथी गाड़ी फेर कहीने कि नाख्युं कि सोरी ने कह आम के जे एवी रीतनी वात थी तीनी तरफ थी कहेवानुं अने त्यो फेर आज झापवा एसडीएम ने ज्ञापन आल्युं ज्ञापन आवेदन आल्युं बाद बे मूर्तिओ भी लाव्यो जेवी रीते तां मूर्ति स्थापना थाय रही हेवी ने एवी मूर्ति लाव्यो जो कि ये एवी ने एवी मूर्ति रतलाममां बनावे छे तां ती आ लोको लावी ने एवी रीतनी प्लानिंग करी अने हमारी जमीन पर कब्जो करी रह्या तो मार अतिक्रमण लोको करी मिली तीने अतिक्रमण हटावानुं छे एवी रीते आज एसडीएम थी हुई निवेदन ने आवेदन आल्युं छे। तो हावी आखिर यो मामलो हूँ से कूनी खरी से कूनी खोटी क्योंकि यो नितिन कोठारी कहो कि एवी रीते भगवानी माहौल उड़ावे या एवी रीतनी भगवानी माता या भगवानी भावना ने साथ खिलवाड़ करे एवं लोगों पर कार्रवाई थवी जो है लेकिन ताना सिद्धेश्वर कॉलोनी कहवाने कि हम भगवान ने आज कोई खिलवाड़ नहीं करी हम उन्हीं जमीन पर कोई हमारा कब्जो नहीं मिले ना हम करें लेकिन जी हम शरद पूर्णिमा ने जन दी देखियू तीन हिसाब से मंदिर बनाया कि हमारा हम उस जमीन पर कोई हमारा घेर बंधावा नहीं मिले नहीं जमीन थी हमारा कोई लेवा देवा एवं रीतनी बड़ी बात आखिर कूनी खरी से कूनी खोटी बे पक्ष की बात तुम सांभो आखिर हूँ से अगर ये सही बात हो तो हूँ कमेंट बॉक्स में विचार ये गलत बात हो तो कमेंट बॉक्स में विचार करो कि तमारी हूँ कहवानी बात से खरी कूनी खोटी कूनी दूध ने दूध पानी थाव जो लेकिन इनमें प्रशासन केर दूध ने दूध ने पानी पानी करे तीनों इंतजार रहे अने हम फिर एवी रीतनी खबर अन जानकारी लेने आता रहूँ। काका बाबा बधान राम राम। लेकिन इहो बेहु पक्ष में हूँ कह दूँ जमीन ना मालिके हूँ कह दूँ अने जो ताना जे माताजी ने जो मंदिर बनावनारा जे भक्तगण से त्या भी हूँ किराती हूँ माताजी ने जो मानवा वाला से त्या हूँ किरा ते भी तुम ही हामड़ो। मूर्तियाँ लेकर आप कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या है पूरा मामला? हाँ, एक्चुअल में सिद्धेश्वर कॉलोनी में कुछ लोगों द्वारा मेरी पर्सनल ज़मीन के ऊपर मूर्ति गाड़ कर उसमें निकाल कर बोला कि माता जी ने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे मूर्ति है जो इनके द्वारा ये मूर्ति रतलाम से खरीदी गई है। जैसे आप ये मूर्ति देख सकते हैं कि ऐसी सेम टू सेम मूर्ति प्रताप में बहुत मिल जाएगी।
क्या प्रशासन से आप मिले, क्या मेरे द्वारा 16 तारीख के दिन मूर्ति निकली, उसके बाद 17 तारीख को SP साहब को और थाने पे आवेदन दिया गया। 18 तारीख के दिन मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय को, SDM साहब को, तहसीलदार साहब को, SP साहब को, थानेदार को, सबको आवेदन दिया। उसके बाद 21 तारीख को फिर आवेदन दिया गया। मुझे प्रशासन द्वारा बोला गया कि दीपावली बाद करा जाएगा कुछ भी, और फिर बोला गया कि आप हाईकोर्ट चले जाइए, वहाँ से आप करवाइए। तो मेरे द्वारा हाईकोर्ट से ऑर्डर भी लेके आया गया है कि उसमें उन्होंने VNSS के तहत कार्रवाई करने के लिए SDM साहब को निर्देशित करा है, जिसके लिए अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। और लोगों द्वारा वहाँ पर और मूर्ति बिठाई जा रही है, जिसके तहत वहाँ पे अभी शायद कुछ कार्यक्रम भी वो चालू करने वाले हैं एक दो दिन में। ये तो इस तरीके से लोगों का ये हो रहा है कि हिंदू धार्मिक भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं कि ये मूर्तियाँ निकल रही है। और अगर ये चीज़ चलती रही, अगर नहीं रुकी, तो आगे किसी की भी कोई भी ज़मीन में कोई भी मूर्ति निकाल के और वहाँ पे मंदिर स्थापित कर देगा, और किसी की भी कोई ज़मीन सुरक्षित नहीं बचेगी फिर। क्या आपको मामला बताइए? जो पहले तो यह भूमि का जो कह रहे हैं, यह भूमि सिद्धेश्वर गार्डन की भूमि है, इसके पूरे दस्तावेज हमारे पास हैं। और जो ये मूर्ति को लेके मैडम को शिकायत करने गए हैं कि ये रतलाम से लेके आए इन्होंने गाड़ी, तो ये बात भी बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर ये मूर्ति खुद ही एक माताजी द्वारा बताया गया हमारे को, यहाँ पर शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम चल रहा था, तो एक बालिका थी, तो उसको माताजी आई तो उसने बोला कि भाई आप खुद प्रतिमा की पूजा कर रहे हो, मैं तो साथ साथ यहीं हूँ। तो उस समय यहाँ पर कम से कम नहीं करते करते 300 लोग मौजूद थे, तो उनके सामने यह माताजी ने बताया। तो हम लोगों ने खोदा तो कम से कम 5 फीट करीब ये मूर्ति निकली, और इसका साथ साथ वीडियो भी है। और जो ये व्यक्ति आरोप लगा रहा है, वो व्यक्ति खुद एक भूमाफिया है, और इसके पूरे दस्तावेज वगैरह सब हमारे पास है। वो आए, अगर उसकी भूमि है तो वो कोर्ट जाए और फिर हमसे सवाल पूछे, तो फिर हम उसको जवाब दें। और वो कहीं नहीं मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा है। उनका कोई धर्म नहीं है, वो भूमाफिया लोग हैं, वो पूरा झाबुआ भी जानता है कि वो व्यक्ति क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। वैभव सिंह जादौन। ये मूर्ति स्थापना की गई है, सही है, हमने तो कोई षड्यंत्र द्वारा इसके स्थापना नहीं की है। जमीन से हमें कोई लेना देना नहीं था, हम तो जमीन का गार्डन है कि ये हमको कोई लेना देना नहीं जमीन से। हम तो 40 साल से ऐसी पड़ी, क्योंकि मेरे को भी 20 साल हो गए शादी करे को, तो 20 साल से मैं भी देख रही हूँ इस ज़मीन को कि 20 साल से ही हुई पड़ी है। तो सबसे सुनते आए कि गार्डन की ज़मीन, पर ये हम तो उस दिन शरद पूर्णिमा के दिन घर में खेल रहे थे, तो माता जी आई है छोरी के रूप में, तो उन्होंने हमको बताया कि यहाँ माता जी है, तो हमने खोदा, हमने निकाला, तो हमने स्थापना करी। और उस दिन हजारों हजारों पब्लिक थे, हमने अकेले ने तो कोई अकेले ने निकाली हाँ। कि अकेले ने निकाल के गाड़ी हो कि करी हो, जो भी निकाला सबके सामने निकाला, सब पब्लिकों के सामने निकाल के हमने मूर्ति की निकाली है। तो नहीं तो सबूत ला के दे दो ना, जो जो बोल रहा रतलाम से लाया है तो उसको ला के खड़ा कर दो हमारे सामने, तो हम बोल देंगे कि रतलाम से आया है कि बम्बई से लाए हो, कैसे भी लाए सबूत तो करो, साबित करके बताओ कि हमको किसा। हाँ बोलते भोसे बोलते JPCC से गाड़ी तो झाबा में, यही 25 कैमरे लगे हुए, एक भी नहीं, 25 कैमरे पूरी कॉलोनी में, एक कैमरे में भी तो आना चाहिए ना। कविता राठौर।